कोविड वाला प्रोटोकॉल फॉलो करना है, खुद को भी सेफ रखना है, किसी भी जगह पे लोगों के साथ ज़्यादा इंटरमिंगल नहीं करना है, तो मास्क हमेशा ऑन रखना है और सही ढंग से पहनना है इसको। बाकी आप सबका जो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट है वो पूरी तरह से किया गया है, आपकी डिप्लॉयमेंट्स मोटरेबल हैं सारी, कहीं भी आप वहाँ किसी किस्म का अगर कोई इशू रहेगा तो लोकल वहाँ पे SDM साहब या वहाँ पे SDPO साहब हैं, उनके नंबर आपके कंपनी कमांडर साहिबा को दिए गए हैं। आप फ्रीली ये जो पूरी यूपी में फर्स्ट फेज के इलेक्शन हैं 22 तारीख को, उसके लिए जो डिस्पैच पार्टी है वो आज हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं, पोलिंग पार्टी को यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं। इसमें कुल 2 जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूएंसी इन्वॉल्व हैं, जिसमें लोहाई मल्हार और बनी। लोहाई मल्हार में हमने 44 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं और 67 पोलिंग स्टेशन बनाया हमने बनी में। इसमें कुल जो इलेक्टर्स हैं वो 47,659 इलेक्टर जो है इसमें शामिल हैं, और लगभग 25,569 के लगभग मेल्स हैं और 22,000 कुछ के लगभग फीमेल्स वो इलेक्टर्स इसमें शामिल हैं कुल मिला के। ये पहली फेज़ का है, इसमें 98 व्हीकल्स हम लोग यहाँ से रवाना कर रहे हैं, अगर होने वाले हैं 2 मिनट में हम के सामने यहाँ से रवाना करेंगे उनको। इसमें 10 बड़ी बसेस हैं, 5 42 सीटर्स, 5 52 सीटर्स, 86 जो है 22 सीटर्स हैं, 2 सूमोज यहाँ से शामिल कर रहे हैं, जिसमें पुलिस पार्टीज़ के अलावा हमारे जो पोलिंग पार्टीज़ के दूसरे मेंबर्स हैं और CAPF की दूसरी टुकड़ी है, उनके भी बंदे जो इसमें जा रहे हैं। पुलिस पार्टीज़ लगभग 800 के लगभग लोग हैं जो पुलिस पार्टी में जा रहे हैं, इसमें 222 के लगभग पुलिस के पर्सनल्स हैं और बाकी के CRPF के या CAPF के कौन होते हैं उनमें सामने 600 के लगभग। ये आज रवाना हो जाएंगे और रास्ते में उन्होंने कहीं रुकना नहीं है, सीधे आज बनी में जो कुछ पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें पैदल नहीं जाना पड़ता है उनको, तो आज रात को वहीं को पोलिंग स्टेशन में पहुँचा दिया जाएगा पोलिंग पार्टीज़ को। जिनको पैदल जाना पड़ेगा, जिनके साथ साथ 8-8 घंटे लगते हैं, जैसे भंडार जैसे एरिया हैं, संगरूर जैसे एरिया हैं, उनको कल सुबह वहाँ से रवाना किया जाएगा ताकि वो 27 तारीख को शाम को अपने अपने पोलिंग स्टेशन में पहुँच जाएँ और 28 तारीख को स्मूथली वहाँ पर पोलिंग हो सके। पोलिंग पार्टी के सॉरी कोविड के लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया कि CMO साहब जो हैं वो इसके नोडल ऑफिसर हैं, हमने जो किट दे रहे हैं पोलिंग पार्टीज को उसमें शामिल है PPE किट शामिल हैं, सैनिटाइजर शामिल हैं, हैंड ग्लव्स शामिल हैं, सर्जिकल मास्क शामिल हैं, बैनर्स जो लोगों को अवेयर करने के लिए कि किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है अपने, उसके लिए बैनर्स बनाए गए हैं, वो उन पोलिंग पार्टीज को दिए जा रहे हैं जो पोलिंग स्टेशन के बाहर पब्लिक की अवेयरनेस के लिए वहाँ पर लगा दिए जाएंगे। तो ये पोलिंग पार्टीज को दिए जा रहे हैं, साथ साथ उनके साथ चले जाएँ।